आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 10। आज हम एक बार पदबंध रिवाइज करेंगे व्याकरण में कि पदबंध किसे कहते हैं और पदबंध के भेद कितने होते हैं। पदबंध किसे कहते हैं, जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरण इकाई का काम करते हैं उस बधी हुई इकाई को क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। यानी कि जब एक से अधिक पद मिल जाते हैं। अब पद क्या होते हैं, पद होते हैं कि जब वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होता है उसको कहते हैं पद। ठीक है, जो प्रयुक्त जो शब्द होता है वो होता है आपका पद। तो इसमें कहा है कि जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरण इकाई का काम करते हैं उस बधी हुई इकाई को क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा क्या है, जीत गया। तो यहाँ पर सभी पद मिलकर किसका काम कर रहे हैं, एक पदबंध, एक व्याकरण की इकाई का काम करें, तो ये कहलाते हैं आपके पदबंध। अब पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, इसमें दिया हुआ है 5 प्रकार के, परंतु पदबंध होते हैं 4 प्रकार के, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, 4 प्रकार के आपको लिखने हैं। तो जैसे अब बोलेंगे पद और पद में क्या, पदबंध में क्या अंतर है, वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होता है वो कहलाता है पदबंध पद, परंतु जब वाक्य में एक से अधिक परस्पर मिलकर एक व्याकरण इकाई का काम करे उस बंधी इकाई को क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। जैसे एग्जांपल के मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हमारे घर के चारों ओर वृक्ष है। अब से पद कौन कौन से, इसमें पद है हमारे घर चारों और वृक्ष, ये सब क्या है, पद। परंतु जैसे ही इसका एक सेंटेंस बनाएंगे तो एक व्याकरण का वाक्य में बनाएंगे तो इसको ये पदबंध हो जाएगा। जैसे हमारे घर के चारों ओर, तो ये क्या बन गया, पदबंध। अब करेंगे भी संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं, जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करें, जब एक से अधिक पद मिल जाएंगे और एक संज्ञा का काम करने लग जाते हैं, संज्ञा की डेफिनेशन वही है, तो उसे क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। जैसे कि लकड़ी की पेटी में से कम्बल निकालो, तो इसमें क्या है, अंडरलाइन करेंगे कि लकड़ी की बड़ी पेटी, तो ये क्या है आपका, ये हो गया भाई पद बन गए, मिलकर संज्ञा का काम कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया आपका, संज्ञा पदबंध। उसके बाद जैसे आता है कि विशेषण पदबंध किसे कहते हैं, अब विशेषण की डेफिनेशन होती है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, तो जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं। ठीक है, यानी कि जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा की विशेषता को प्रकट करें तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे कि बहुत अधिक पेड़ों वाला यह मेरा घर, अब क्या है कि बहुत अधिक पेड़ वो वाला, तो ये क्या है, ये सारा क्या है आपका, विशेषण है कि बहुत अधिक पेड़ है, तो ये क्या है, विशेषण है। और कहने से बहुत सारे पद जो मिल रहे हैं तो ये क्या गया, विशेषण पदबंध। अब कहते हैं कि भाई क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जब एक से अधिक जब क्रिया पद मिलकर एक इकाई के रूप में, जैसे कार्य के रूप में कार्य कर रही होती है, तो वो क्या कहलाता है, क्रिया पदबंध। जैसे नाव में पानी में डूबती चली गई, अब क्या डूबती चली गई है, नाव। अब इसमें क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है कि डूबती चली गई, तो ये कौन सा हो गया, क्रिया पदबंध। अब क्रिया विशेषण पदबंध क्या है कि क्रिया की जो विशेषता को भी प्रयुक्त करता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, जब पदबंध क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे कि मैं बहुत तेजी से दौड़कर गया। अब जैसे आता है बहुत तेजी से दौड़कर, तो इसमें आपका क्या है, भाई जा रहा है वो तो हो गई आपकी क्रिया, परंतु कैसे दौड़कर जा रहा है, बहुत तेजी से दौड़कर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, इस तरह से आपके 4 प्रकार के हैं। आपके पेपरों में इस तरह से भी आते हैं कि अंडरलाइन लगी हुई आती है, आपको दिखाई दे रही है कि शीला जोर जोर से रोती हुई जा रही थी, तो अंडरलाइन आगे कि जोर जोर से रोती हुई जा रही है, तो क्या है इसमें, ये क्रिया विशेषण है कि भाई एक तो जा रही है वो तो क्रिया हो गई, परंतु जोर जोर से रोके जा रही है, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध। तो इस तरह से भी आते हैं कि एक अंडरलाइन करके दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा पदबंध है, समझ में आया। तो इस तरह से ये आपके पदबंध वाला है जो मैंने आपको रिवाइज कराया, अगर जिस बच्चों ने नहीं लिखा है वो अपनी अपनी कॉपियों में इसे लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास में करेंगे।